दिस इज सुमित एंड वेलकम टू एसएस फिल्म्स। तो कैसी है अपनी एसएस फैमिली, होप कि सब बढ़िया ही होंगे। तो पिछले दिनों जो है मैंने अपना क्लासिक 350 जो है वो सेल कर दिया था, जो कि आप सबने वीडियो में देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा है, जाके वहां पे देख लो। तो क्लासिक 350 बेचने के बाद मुझे एक अच्छा सा और थोड़ा पेपी पिकअप वाला और ऐसा बाइक चाहिए था कि जिनसे मैं थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है अक्सर रास्ते बहुत ही ख़राब रहते हैं। तो फिर मेरे पास तीन ऑप्शन थे, जिनमें से एक था KTM ड्यूक 390, दूसरा था बजाज का डोमिनर 400 और तीसरा अपाचे RR 310। तो मैंने तीनों ही बाइक चला के देखे, ट्राई करके देखा और फाइनली उन तीनों में से मेरी जो पसंदगी की सुई है वो आके अटक गई KTM ड्यूक 390 पे। और जैसे ही मुझे एक अच्छी डील मिली तो फिर मैंने वो डील क्रैक कर दी और ड्यूक 390 ले लिया है। तो चलिए देखते हैं कैसी है बाइक और आपको भी दिखाते हैं कि कैसी है बाइक। तो चलिए देखते हैं ड्यूक 3। बोल सकते क्योंकि मैंने तो सेकेंड हैंड ही परचेस की है, लेकिन फिर भी मेरे कलेक्शन में कुछ नया एड ऑन है इसलिए मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी बाइक्स देखे, KTM में भी काफ़ी बाइक्स देखे और बहुत सारे बाइक्स देखने के बाद फाइनली ये बाइक पे मैंने पसंद कर लिया है और फिलहाल तो चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेकिन देखते आगे आगे इसका रिव्यू भी देखेंगे हम, कैसे चल रहा है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहता है और फीलिंग कैसा आ रहा है। और गाइज जल्दी हम इस
बाइक को लेके ऑफ रोड भी करने वाले हैं, तो फिर देखते हैं कि कैसा ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस है इस बाइक का। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे आपके लिए वीडियो बनाते रहे और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।